पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर जैसा एक मामला अलवर के भिवाड़ी में सामने आया है, लेकिन इस बार भारत की लड़की पाकिस्तान पहुंची है। टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रहने वाली अंजू सोशल मीडिया पर दोस्त बने नसरुल्ला से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के नसरुल्ला ने मीडिया से कहा कि वो अंजू से शादी करेगा। अंजू सगाई के कुछ दिन बाद इंडिया जाएगी और फिर वापस पाकिस्तान आएगी। जानकारी के मुताबिक अंजू अपने पति अरविंद कुमार के साथ 2 साल से टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रह रही है। उसकी 15 साल की एक लड़की और 6 साल का लड़का है। इन दोनों को ही नहीं पता था कि उनकी माँ पाकिस्तान चली गई है। बता दें, पहले अंजू अपने परिवार के साथ भिवाड़ी के UIT सेक्टर 7 में रहती थी। कुछ समय यहां के एच टावर में फ्लैट नंबर 704 में किराए पर रही और यहीं से 2020 में पासपोर्ट बनवाया। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। पाकिस्तान जाने से पहले वह आई टावर में 903 फ्लैट में रह रही थी। अंजू टू व्हीलर कंपनी में काम करती है, पति इंडो कंपनी में काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेम में पाकिस्तान पहुंची अंजू के पति अरविंद ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, पत्नी ग्वालियर की रहने वाली है। दोनों की शादी 2007 में हुई थी। अरविंद मूलतः क्रिश्चियन है जबकि अंजू हिंदू है। अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी गुरुवार को घर से जयपुर के लिए निकली थी, कह रही थी कि सहेली से मिलने जाना है। पति को यह नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में है। पुलिस और CID की टीमें अब इस केस की जांच कर रही है। SP विकास शर्मा ने बताया कि महिला के पति या किसी और ने कोई FIR या लिखित शिकायत नहीं की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।